अस्सलाम वालेकुम। कैसे है भाई लोग? नमाज हो गई? जी माशाल्लाह। अच्छा, ईद की तैयारी वारी कैसे चल रही है? हाँ, क्या बात, कपड़े शपड़े सबके हो गए तैयार? अच्छा, चलो एक सवाल पूछते हैं आपसे। ये बताएं, वो कौन सा पेड़ है जिसके अंदर लकड़ी नहीं होती है? केले का। केले का। अच्छा आप बताएं, वो कौन सा पेड़ है जिसके अंदर लकड़ी नहीं होती? आप पपीते का। आप बताएं? पपीते का। भाई देखे, बात तो दोनों की दमदार लग रही है मुझे, क्योंकि केले अभी कुछ ऐसा ही है और पपीता भी कुछ ऐसा ही है। तो आप जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में, जितने भी व्यूवर जो भी लोग ये वीडियो देखेंगे वो लोग जरूर बताएं। अच्छा चलो एक और है आपसे सवाल। एक कपड़ा हम सूखने के लिए डालते हैं, ठीक है, वो एक घंटे में सूखता है। तो अगर हम 10 कपड़े डालेंगे वो कितनी देर में सूखेंगे? 10 घंटे में सूखेंगे। आप बताइए कितने घंटे में सूखेंगे? घंटे में। कैसे एक घंटे में? कैसे आप बताइए आपके हिसाब से एक कपड़ा एक घंटे में सूखेगा तो दस घंटे में। देखिए भाई माशाल्लाह, कौन से क्लास में? 7th में है बच्चा, कुछ करेगा जिंदगी में। ये आ गया हमारा सूरमा भोपाली। अच्छा क्या नाम है आपका? फराज अली। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 12th कंप्लीट। माशाल्लाह इतनी कम उम्र में इतना लोड कैसे? कमाल कर दिया फराज भाई। अरे फराज भाई, हंसी तो आपकी बहुत, डिम्पल भी पढ़ते हैं, कोई क्रैश व्रैश तो नहीं है? अच्छा तो आपसे एक सवाल है फराज भाई, अभी जैसे हमने भाई से पूछा है, आप बताएं एक घंटे में एक कपड़ा सूखेगा, तो एक घंटे में एक कपड़ा, तो 10 कपड़े कितने घंटे में सूखेंगे? 10 घंटे में सूखेंगे। ओ भाई देख लो जी, आप लोग देख लो इनकी शक्ल कौन से देख लो, और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ कितनी देर में सूखना है कपड़े। अच्छा चलिए तीसरा सवाल और है। तीसरा सवाल ये है, 5 किलो आलू भारी हुए या 5 किलो रोई? बराबर। कैसे? 5 किलो ये दोनों। ओहो, अच्छा आप बताओ भाई, 5 किलो रोई भारी या 5 किलो आलू? बराबर। देखिए आलू बोला इसने, 12th पास किया है, आलू बोला है, कमाल का है ना। आप लोग भैया बताते रहे ना मुझे, बड़ा कमाल का है। बहुत बढ़िया भाई लोग, आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।